आधा है ना इसलिए पानी मुझे बड़े आधा नहीं ऐसे ही मज़ा करता है बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं काफ़ी दिन के बाद अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं जिसमें मेरे को बहुत खुशी हो रही है। वो मेरा दोस्त रहता है सरजानी में, उसका नाम है शेख अब्दुल ग़यूर। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं उससे मिलने के लिए, वहाँ पे उससे मिलेंगे इंशाल्लाह। होटल पे चाय वाय भी पियेंगे, फिर इंशाल्लाह हमने जो प्लान बनाया है कि थोड़ा बहुत राड गेम भी खेलना है, तो हम लोग राड गेम भी खेल लेंगे और वहाँ जाके थोड़ा मज़ा भी कर लेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर भी कर लेंगे और इंशाल्लाह सवाल तो हमारा होता ही है तो सवाल भी कर लेंगे। तो इंशाल्लाह मैं आपको अपने दोस्तों से भी मिला दूँगा इसी बहाने और इंशाल्लाह वहाँ जाके थोड़ा एंटरटेनमेंट भी कर लेंगे। तो चलें हम अपने दूसरे दोस्तों को भी बुला लेते हैं, वो भी आ रहा है, मैंने फ़ोन कर दिया है। उसके बाद हमारा एक दोस्त है रेहान, उसको भी बुलाना है। फिर अब्दुल रहमान भी आ रहे हैं। फिर हम जाएंगे सरजानी, वहाँ जाके थोड़ा मयूर भाई के साथ मजाक मस्ती भी कर लेंगे और उनसे मिल भी लेंगे। बहुत दिन हो गए, बहुत टाइम हो गया उनसे मिले नहीं है। तो चलें सरजानी चलते हैं, वहाँ जाके उनसे मिल के आते हैं। रेहान भाई के पास आ गए हम, रेहान भाई का इंतज़ार कर रहे हैं, वो आ जाए फिर हम चलते हैं। रेहान भाई का गेट है, हम बाहर बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं इनका कि जैसे ही आएंगे वैसे ही जाएंगे। रेहान भैया आ रहे अभी, फिर चलते हैं। ग़यूर भाई देखना चाय नहीं गिर जाए यार किसी पे, आप भी पियो। ग़यूर भाई चाय आप बना के लाए हो? नहीं भाई, बेगम ने बनाई, थोड़ी कट चाय लेके आता, फुल लेके आ गया तू। ये हमारे शेख अब्दुल ग़यूर भाई है। और ग़यूर भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। हाँ, ये सरजानी में शिफ्ट हो गए हमारे भाई, इनकी बड़ी याद आ रही थी, हम इनसे मिलने के लिए आए। मोहब्बत आप लोग। हाँ, और ये हमारे रेहान भाई है, नॉर्थ कराची में रहते हैं हमारे रेहान भाई। ये हमारे रहमान भाई है, ये अलेवन बी में रहते हैं ना, अलेवन बी में ही रहते हैं। घर से चाय बना के ले गए हमारे लिए, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त चाय बनी है। अच्छी है चाय यार ग़यूर भाई, थैंक यू। आपकी भाभी ने बनाई है माशाल्लाह। क्लियर कर रहा है कि ग़यूर भाई ने क्लियर कर दिया कि मैंने नहीं बनाई है। ज़बरदस्त बनी, अच्छी बनी हुई है। ये नामदार है यहाँ के चेयरमैन, सरजानी कॉर्नर फ्लैट, सलमान कॉर्नर फ्लैट। अगर किसी को रेंट पे चाहिए तो हमारे शेख ग़यूर भाई से रब्ता करें, है ना। सही है। और ग़यूर भाई रेंट क्या है यहाँ का? 8,000 बस, ओनली 8,000। बंद कर दे ग़यूर, बंद कर दे सारे भाई। ये अमेरिकन किचन है, अच्छा बना हुआ। ये एक रूम ये भी है, रूम का साइज तो नहीं पता। रहमान भाई इस फ्लैट की बात कर लो यार आप, रहमान भाई इस फ्लैट की बात कर लो आप। ये जाले दिखाते हैं, कहाँ है मकड़ी? मकड़ी भी है। अबे तो हाथ से हटा रहा हूँ मैं यार। ये बिल किसके है भाई? ये घर भी रेंट के लिए खाली है, इसका भी रेंट है 8,000 रुपये। जिसको भी चाहिए हो शेख अब्दुल ग़यूर से रब्ता करें। मैं इंशाल्लाह इनका कॉन्टेक्ट नंबर अपनी वीडियो में डाल दूँगा। बहुत अच्छी लोकेशन पर है घर माशाल्लाह से। सही कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हाँ ना, अपना काम भी हो रहा है, सारे काम होंगे ना यार। अब हम नीचे जा रहे हैं ना यार। रेहान भाई नज़र आने चाहिए बस मेरे को। हाँ, रेहान भाई के साथ बड़ा मज़ा आता है व्लॉग बनाने। हाँ, सबने अच्छी यहाँ पर जो जगह है ना बाइक पार्किंग की, बेहतरीन है। सारे मीटर भी गैस के लगे हुए हैं, बिजली के भी लगे हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त जगह है ग़यूर भाई, बहुत अच्छी चॉइस है। इंशाल्लाह यहाँ से आप बहुत जल्दी कामयाब हो जाओगे। तो किराया भी बहुत मुनासिब है, अब हम जा रहे हैं राड गेम के ऊपर, वहाँ पे राड गेम खेलेंगे, हमारे ग़यूर भाई भी खेलेंगे। यहाँ पर कुत्ते भी है भाई, ये कौन सी नस्ल का कुत्ता है? ये है कुत्ते की नस्ल का कुत्ता, कुत्ते की नस्ल का। चार दीवारी फ्लैट भी यहाँ पर, ये भी तामीर हो रहा है, बहुत जल्दी इफ्तिदा हो जाएगा इसका भी। और क्या चाहिए? अब हम जा रहे हैं राड गेम पे, लेकिन यहाँ पर सिस्टम कुछ ऐसा है कि चप्पल उतार के जाना पड़ेगी हमें, फिर जाके हम खेलेंगे। यूँ ये चप्पल क्यों उतारनी पड़ती है ग़यूर? यहाँ बड़ा ज़बरदस्त बनाया हुआ है बात ये आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के पैरों में दर्द ना हो, इस तरीके से उन्होंने स्टोरिंग की हुई है इसके ऊपर ना। चलो अब हम लोग एंट्री करते हैं राड गेम की। ये पहले ही लोंडे लबाड़े भी खड़े हुए हैं यहाँ पे, रश चेक कर रहे हैं, रश देखें आप, चप्पलें देखें यहाँ पे बस। अब हम भी उतार के जाएंगे। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हमारे ग़यूर भाई और रेहान भाई खेल रहे हैं पट्टी, रेहान भाई पीछे खड़े हुए। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है, इन दोनों गेम में से बहुत अच्छा है, और यहाँ की लोकेशन बहुत अच्छी है। ये रेहान भाई ने तीनों ऊपर कर लिए बस, ये टोपी भी उतार दिए रेहान भाई ने। अब रेहान भाई बोलेंगे जीत के दिखाओ भाई, थोड़ा गेम भी दिखाते हैं। पाँच मिनट में ख़त्म होगी, फिर हम भी खेलेंगे। चैम्पियन क्लब दोनों भाई हारे ही हमारे सामने, पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये हमारे नामदार भाई भी आ गए यहाँ पर। अरे नामदार भाई कुछ खिला तो दो यार, देख ही नहीं रहा भाई ये तो हमारी तरफ। राड गेम खेला, बहुत मज़ा आया। अब हम लोग घर जा रहे हैं, फाइनल हो गया। अब हम सारे घर जा रहे हैं भाई। अच्छा ग़यूर भाई, अल्लाह हाफिज़, दोबारा मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। भैया भूख लग रही है आपको? क्या अच्छा है यहाँ का? फॉर्मा अच्छा आने के लिए आए हुए यहाँ पे। अभी पुलाव आया नहीं, अभी हमारा पुलाव आ रहा है, अभी ऑर्डर दिया हमने। अफ्तारी के अंदर नहीं खाऊंगा, भूख से हालत बुरी हो गई है हमारे रेहान भाई की। ये देखो आगे साफ बोल रहे, भूख लग रही है, अभी पुलाव आ रहा है हमारा। सुपर मदीना इमाम बख्श पकवान सेंटर, और यहाँ पे लाइन देखें माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनके रिक्स में बरकत दे। पुलाव आ रहा है अभी हमारा, ऑर्डर दिया हमने भी। बीफ पुलाव आ गया हमारा। रेहान भाई से सबर नहीं हो रहा है। हाँ रेहान भाई अकेले ही खा लेंगे, रेहान भाई पूरे बढ़िया थे माशाल्लाह से। खाना रेहान बिस्मिल्लाह कर। अब हम पुलाव खाते हैं, फिर बाद में मिलेंगे आपसे। हाँ पहले 3 बंदे 3 प्लेट सही है, ताज़ा है ना इसलिए पानी मुझे बड़े है ना। नहीं ऐसे ही मज़ा करता है, बहुत ज़बरदस्त पुलाव, लेकिन बहुत अच्छा बना हुआ ज़बरदस्त। हाँ रेहान भाई बियर पीते, हम नहीं पीते, रेहान भाई पीते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर आ गया हूँ, बहुत मज़ा आया, बहुत इंटरटेनमेंट हुआ, बहुत एंजॉय हुआ दोस्तों के साथ। मेरे आप दोस्तों को भी आप लोगों ने देखा, हमने राड गेम भी खेला, चाय भी पी, और हमने फिर आते हुए पुलाव भी खाया। बहुत मज़ा आया। 500 रुपये किलो था, लेकिन बहुत अच्छा पुलाव था, यानी कि 500 रुपये आपके वसूल हो जाएंगे। मेन 5 नंबर पर ही है, और बहुत मज़ा आया। और हमारे व्लॉग का सवाल कुछ ऐसा होना चाहिए, हमारे व्लॉग का सवाल ये है कि राड गेम के यहाँ पे हम खेलने गए थे राड गेम, उस जगह का क्या नाम था, यानी कि राड गेम की शॉप का क्या नाम था। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।